हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखा था और उसमें मैंने लास्ट में एक आप लोगों को होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में क्या था कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है दैट इज सराउंडेड बाय ए कंडक्टिंग सेल हैविंग इनर रेडियस ए एंड आउटर इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी एज शोन इन द फिगर। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या था। देखिए इसमें क्या है कि इनर सरफेस इनर आई मीन सॉलिड जो स्फीयर है उस पर प्लस क्यू चार दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि इसके एडजेसेंट सरफेसेस पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो यदि इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनर फेस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये क्या है, दो कंडक्टिंग स्फीयर, आप ऐसे समझ सकते हैं। यदि आप समझना चाहें, यदि हम इसके थिकनेस को क्या करें, निगलेक्ट कर दें, क्या करें, निगलेक्ट कर दें, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, क्या है, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये क्या है, सॉलिड कंडक्टर है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है, सॉलिड कंडक्टर इज सराउंडेड बाय क्या है, अनचार्ज स्फेरिकल शेल जिसका आउटर रेडियस क्या है, क्या है आउटर रेडियस, क्या है बी है, क्या है बी है, हम ऐसे सोच सकते हैं। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया कि क्या है, ये तो हम जानते ही हैं कि इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0 ab अपॉन क्या होता है, b माइनस से होता है। लेकिन हम इसको सोचें, आपको मालूम है कि क्या है, कंडक्टिंग शेल है तो हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर पे पोटेंशियल लिखा, तो सॉलिड स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा, एक तो खुद इसके चार्ज के द्वारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, kq अपॉन a, फिर इस शेल के इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसके द्वारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा, माइनस kq अपॉन क्या होगा, b, प्लस इस शेल के आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, kq अपॉन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यही होगा ना। अब मुझे क्या करना है, आउटर सरफेस पे आई मीन इस पे पोटेंशियल लिखना है, तो इस पे पोटेंशियल हम क्या कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेडियस ऑफ द आउटर शेल। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, kq अपॉन क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। और यदि हम लिखें कि va माइनस vb इक्वल टू क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या होगा, kq इंटू क्या हो जाएगा, 1 upon a minus 1 upon b। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4πε0 क्या होगा, ab अपॉन क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आया। देखो जब भी क्या करना है, कैपेसिटर लिखना, कैपेसिटेंस लिखना है, तो आपको चार्ज कंसिडर कर लो, एनर्जी मेथड यूज करो, या क्या कौन सा मेथड, आइदर क्या हो, एनर्जी मेथड यूज करो या एनर्जी डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करो या इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके पोटेंशियल लिख डालो या सिंपल पोटेंशियल यूज करो, सभी से आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन इस चीज माइंड में रखना है कि जब भी क्या करो, एनर्जी मेथड यूज करो, तो आउटर सेल पे क्या चार्ज है उसको आप कंसिडर मत करो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है, ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। इसी तरह अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, हमने क्या लिखा है कि एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, एज एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस ए इज सराउंडेड बाय ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हैविंग रेडियस इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी एंड हैव चार्ज प्लस क्यू एज शोन इन द फिगर। अब क्या किया जा रहा है कि इनर सेल को क्या किया जा रहा है, इनर सेल को क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ग्राउंड कर दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आई मीन इनर सेल नहीं सॉरी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसको क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया, दिया है ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज सराउंडेड बाय ए कॉन्सेंट्रिक चार्ज शेल एज शोन इन द फिगर। नाउ कंडक्टिंग स्फीयर इज अर्थ, देन फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, क्या है, देन फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इसको हमने क्या किया,
इसको हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। तो जब आप ग्राउंड करेंगे तो इस पे क्या होगा, इस पे क्या हो जाएगा, क्यू डैश क्यू वन चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब वो प्लस होगा या माइनस होगा अपने को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो होगा उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वन हो जाएगा, और ये टोटल चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। अब अपने को क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। पहले क्या लिखना, चलो वी प्लस लिखे, तो वी प्लस। अब अगेन देखो क्या है, एक कंडक्टिंग, ये क्या है, शेल है, तो शेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम यदि लिखें कि वी ए, आई मीन हम क्या लिखेंगे, वी ए, पहले वी ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अनोन क्या है, क्यू डैश क्या है, अनोन है, क्या है, क्यू डैश क्यू वन क्या है, अनोन है। क्यू वन का वैल्यू अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इनर सेल पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी इनर कंडक्टिंग स्पीयर पे के क्यू वन अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू वन अपॉन बी पोटेंशियल ड्यू टू दिस। तो इस शेल के अंदर है तो इसलिए क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस क्या लिखेंगे, के इंटू क्यू प्लस क्यू वन अपॉन क्या होगा, सीध जाएगा। अब कंडक्टिंग स्फीयर क्या है, यही हमने ये माना है, तो ये क्या है, ग्राउंडेड है, क्या है, ग्राउंडेड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो q1 अप माइनस q2 अपॉन सॉरी q अपॉन b प्लस क्या हो जाएगा, q अपॉन c प्लस प्लस क्या हो जाएगा, q अपॉन क्या हो जाएगा, c इंटू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यहां से यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कि q1 इंटू क्या होगा, 1 अपॉन a माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू माइनस q बाई क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो बी सी माइनस ए सी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस q अपॉन क्या हो जाएगा, c अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी सी कैंसिल हो गया, तो q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q1 इक्वल टू माइनस q ए बी अपॉन क्या होगा, ए बी प्लस बी सी माइनस क्या हो जाएगा, ए सी। तो आपको क्या हुआ, इंड्यूस चार्ज मालूम चला गया, मालूम हो गया इंड्यूस चार्ज क्या हुआ, मालूम हो गया। आप देखेंगे ये भी क्या होगा, q डैश क्या हो जाएगा, ये अलवेज क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल यदि लिखें, क्या करें, पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल वी बी, इसको हम आउटर सेल को बी मान लें, तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी इक्वल टू सिंपल क्या करना है, आउटर सेल पे जब भी पोटेंशियल लिखना है तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा, रेडियस। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो क्यू प्लस क्यू वन अपॉन क्या हो जाएगा, सी इंटू क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू वन अपॉन आउटर सेल का रेडियस इंटू क्या हो जाएगा, के, यही होगा ना। अब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी इक्वल टू के अपॉन सी इंटू क्यू का वैल्यू रखो क्यू वन का, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस क्या होगा, क्यू ए बी अपॉन ए बी प्लस बी सी माइनस क्या होगा, माइनस सी। उसके बाद हम लिख सकते हैं वी बी इक्वल टू क्या होगा, के अपॉन सी इंटू क्यू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, वन माइनस ए बी अपॉन ए बी प्लस बी सी माइनस क्या हो जाएगा, सी। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस क्या हो जाएगा, सी ए। ये आपको क्या मालूम चल गया, आउटर शेल पे पोटेंशियल कितना होगा वो मालूम चल गया, और इनर कंडक्टिंग स्फीयर पे पोटेंशियल क्या है, जीरो ही है, क्या है, जीरो है, दिया हुआ है ना। तो हम लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए
इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए बी प्लस बी सी माइनस सी। यही क्या होगा, वी इज इक्वल टू, अगेन देखो इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन, क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए और इंटू क्या लिख सकते हैं, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। इसको और मॉडिफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू इंटू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, q अपॉन कितना हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी अपॉन क्या होगा, बी माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बाई कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, बाई क्या होगा, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, वी गेट क्या मिलेगा। देखो तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे q इक्वल टू सी बी से, तो यहां मिल जाएगा c इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एडवांस में पूछा जा सकता है। तो हमेशा क्या करना है आपको, इनर शेल आई मीन दोनों कंडक्टिंग आई वी प्लस बी माइनस लिखे, सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसके बाद क्यू इक्वल टू सी बी से कंपेयर करके आप कैपेसिटेंस आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, इसको ध्यान देना, इसको दो मेथड से हम और भी है इसको दूसरे मेथड से, लेकिन अभी हम सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट नहीं पढ़े हैं इसलिए हम दूसरा मेथड मैं नहीं बता रहा हूं, दूसरे मेथड से ही बताऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां दो कैपेसिटर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। आप इसको दो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, फोर पाई, देखो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए बी अपॉन क्या हुआ, बी माइनस ए प्लस क्या हुआ, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो सी। ये क्या हुआ, एक आउटर सेल जो है आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया कैपेसिटर, और ये क्या हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर, दोनों को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो इसको जब हम सीरीज पैरेलल पढ़ जाएंगे तो दूसरे मेथड से भी इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इस मेथड को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने आ जाए, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको आ जाना चाहिए। आइए अब हम क्या देखते हैं, अगला कॉम्बिनेशन क्या है, अब हम देखेंगे अगला जो क्या है, कॉम्बिनेशन अब क्या होगा, कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, पहला क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप ये दोनों पढ़ चुके हैं, लेकिन किसके लिए, रजिस्टर के लिए आप 10th क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या होता है, एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज और पैरेलल, तो इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और फिर क्या पढ़ेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कैपेसिटर। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दोनों को आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि यदि सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो इसका यूज करके आप कैपेसिटेंस जो है आसानी से क्या कर सकते हैं,
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आई मीन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा ये जानना जरूरी। देखो क्या है, यहाँ हम सिंपल क्या है, दो कैपेसिटर क्या कर रहे हैं, तीन कैपेसिटर हमने क्या किया है, कंसीडर कर लिया है, ए सी वन है, ए सी टू है, और ये क्या है, सी थ्री है, जिनका कैपेसिटेंस क्या है, सी वन सी टू और सी थ्री। इसको हमने क्या किया, इनके कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया, एक बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, क्या है, जिसका ईएमएफ क्या है, वी है, बैटरी का क्या है, ईएमएफ है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, सीरीज में इसको कनेक्ट करोगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इधर क्या होगा, चार्ज होगा, क्या होगा, क्यू फ्लो, और इधर भी क्या होगा, चार्ज क्या होगा, क्यू आएगा। याद रखना है कैपेसिटर के अंदर फ्री स्पेस होता है तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, चार्ज डेवलप नहीं होता है। ये चार्जिंग प्रोसेस कैसे होता है वो बाद में हमको पढ़ना है, चार्जिंग एंड डिचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। केवल आपको याद रखना है कि चार्ज क्या होगा, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्यू, आई मीन इस पे भी क्या होगा, क्यू, इस पे भी क्या होगा, क्यू, और इस पे भी क्या होगा, क्यू, ठीक है, आई मीन इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, इधर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, अगेन इधर प्लस क्यू, इधर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, अगेन इधर प्लस क्यू, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो पहला क्या है, सीरीज में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम होगा। यदि इसके अक्रॉस देखो ध्यान से, यदि यहां हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लें, वी वन, आई मीन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, और दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ थर्ड कैपेसिटर। आप ध्यान देना, तो पहला क्या है कि इन सीरीज क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर पहले क्या होगा, ए में क्या होगा, चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, दैट इज क्या होगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू क्या होगा, Q। पहले आप कैसे देखोगे कि यदि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी कैपेसिटर है, जितने भी कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, उन सभी पे क्या है, चार्ज सेम है क्या, यदि सेम होगा तो क्या होंगे, सीरीज में होंगे, क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट भी क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। बी जो पॉइंट है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या है, यहां बी में हम लिख सकते हैं, बी में क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, कैपेसिटर में और में नट बी क्या होगा, सेम, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। अब मैं आपको बता रहा हूं वी वन वी टू, देखो तो हम जानते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू क्या होता है, वी। क्यू क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज ऑन क्या है, कैपेसिटर, और वी क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, यही है ना,
पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, आई मीन क्या है वी प्लस माइनस, क्या है वी माइनस, यही है। अब यदि अब क्या है इन सीरीज क्या होगा, इन क्या होगा सीरीज क्या होगा, क्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू क्या होगा, अरे चार्ज क्या हुआ कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा, क्या वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कैपेसिटेंस, आई मीन क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच कैपेसिटर या पोटेंशियल ऑफ इच कैपेसिटर विल बी सेम इफ देयर कैपेसिटेंस मस्ट बी क्या होना चाहिए इक्वल, यदि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ इच कैपेसिटर सेम तभी हो सकता है जब कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यदि कैपेसिटेंस सेम होगा तभी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा या पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा सेम होगा। देखिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं या पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलूं या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ऑल थिंग्स आर क्या होगा सेम, सभी का मीनिंग क्या है सेम है। तो इसलिए मैंने बताया कि पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर मे और मे नॉट बी सेम डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंस, इफ द कैपेसिटेंस विल बी क्या होगा सेम, क्या होगा इफ, हम यहां लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इफ यहां लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है कि क्या होगा एच क्या होगा एच सी क्या होगा इंक्रीजेस वी क्या होगा डिक्रीजेस एंड क्या होगा वाई से वर्सा, तो ये आपको मालूम है। दूसरा क्या है इफ क्या लिखेंगे इफ सी वन इक्वल टू सी टू इक्वल टू सी थ्री देन क्या हो जाएगा वी वन इक्वल टू क्या होगा वी टू इक्वल टू क्या होगा वी थ्री, और क्या होगा इफ इफ क्या होगा इफ सी वन नट इक्वल टू क्या होगा सी टू नट इक्वल टू सी थ्री देन क्या हो जाएगा वी वन नट इक्वल टू वी टू नट इक्वल टू क्या होगा वी थ्री। यदि क्या होगा कैपेसिटेंस सेम होगा तो क्या होगा कैपेसिटेंस सेम होगा तो पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होगा सेम होगा, यदि कैपेसिटेंस सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होगा सेम नहीं होगा, है ना। तो ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये पूछा जाएगा कि यदि कैपेसिटर को हमने क्या किया है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो एनर्जी स्टोर्ड सबसे ज्यादा किस में होगा, क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड किस में ज्यादा होगा, तो सी पॉइंट क्या है सभी पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूं। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि अगेन क्या होगा व्हेन क्या होगा सी में क्या होगा कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड बाय द क्या होगा बाय द कैपेसिटर डिपेंड ऑन क्या होगा डिपेंड ऑन क्या होगा डिपेंड ऑन कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा कैपेसिटर। अब ऐसा क्यों होगा ये सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आई मीन इन सीरीज कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द क्या होगा कैपेसिटर। ऐसा क्यों देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 आई मीन क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन क्या है 2c, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि ये क्या होगा सीरीज में क्या हो जाएगा ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना क्या इन सीरीज। अभी हमने देखा था ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा, तब यहां से हम बोल सकते हैं क्या होगा कि हेंस एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होगा व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यहां से भी देखो क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या होगा आई मीन क्या होगा U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा U is inversely proportional to क्या हो जाएगा C। अब क्या होगा कि जैसे ही आप क्या करोगे C को क्या करोगे increase कराओगे वैसे ही energy stored क्या होगा decrease होगा, यदि C आप क्या करोगे decrease कराओगे तो
तो एनर्जी स्टोर क्या होगा? इंक्रीज होगा, यही होगा ना। एनर्जी स्टोर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपको ये मालूम रखना है कि यदि सीरीज में क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, कनेक्टेड होगा, तो जिसका कैपेसिटेंस सबसे क्या होगा, कम होगा, वो सबसे क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, एनर्जी स्टोर करेगा। तो हम लिख सकते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन, क्या लिख सकते हैं, इन क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन, कम्बिनेशन ग्रेटर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, क्या होगा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस स्मॉलर या स्मॉलर विल बी द, क्या होगा, विल बी द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड एंड क्या होगा, एंड वाई से क्या होगा, वाई से वर्सा, एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा कैपेसिटेंस होगा उतना ही क्या होगा एनर्जी क्या होगा कैपेसिटर में क्या होगा, कम स्टोर होगा। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ही एनर्जी क्या होगा, कम क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद क्या है, अगला जो पॉइंट आपको क्या है पढ़ना है इसमें, कि इन सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, उसके बाद एनर्जी, आपसे कोई पूछे तो सी दिया रहेगा, तो आइदर चार्ज निकाल लो, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, और एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जो क्या है सी डी। डी पॉइंट जो है वो क्या है, कि सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, क्या होगा, कि सम सम ऑफ पोटेंशियल, क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द, क्या होगा, अप्लाइड अप्लाइड बैटरी। आई मीन क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा, V3 प्लस प्लस। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ये क्या हुआ, V क्या हुआ, EMF ऑफ द क्या हुआ, बैटरी। V1 क्या हुआ, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ C1, मैं यहां लिख देता हूं। V2 क्या होगा, V2 इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ C2, और V3 क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ C3, क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ C3। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल लिख सकते हैं और ये प्रूफ कर सकते हैं। यदि आपका आपको कैलकुलेशन चेक करना है तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो कि जो भी पोटेंशियल सभी कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा उसका सम क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमने जो कैलकुलेशन किया है वो क्या है, करेक्ट होगा। अदरवाइज कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपको माइंड में क्या है रखना है, ठीक है। अब हम देखें इसको यूज करके हम सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखो तो हमने क्या है, कैपेसिटर ऐसे ही सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, यही है ना C1 C2 और ये क्या है C3, यही ईएमएफ ऑफ द क्या होगा, बैटरी। इसके अक्रॉस क्या है, V1 पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस क्या होगा V2, और इसके क्रॉस क्या होगा V3। ऑलवेज याद रखना है कि इसका कैपेसिटेंस C1 C2 और C3। चार्ज सभी पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा, और इस पे भी क्या होगा Q होगा। अब यदि हम लिखें V इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को क्या करना है। अब देखो तो V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q
क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, सी वन लिख सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल ऑफ एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। उसी तरह हम लिख सकते हैं वी टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, सी टू। उसी तरह वी थ्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, सी थ्री। अब हम लिख सकते हैं देखो तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू क्या होगा यहाँ, वी इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, सी वन प्लस क्यू अपॉन क्या होगा, सी टू प्लस क्या होगा, क्यू अपॉन क्या हो गया, सी थ्री प्लस प्लस। तीन ही हमने कंसीडर किया है तो यहाँ भी लिख सकते हैं वी इक्वल टू क्यू इंटू क्या होगा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू वन अपॉन क्या होगा, सी थ्री। क्या हुआ वी इक्वल। अब हम क्या करेंगे देखो, ये क्या होगा, ई भी क्या होगा, एक कैपेसिटेंस का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये आप ध्यान से देखें, इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस क्या होगा, वन अपॉन सी थ्री। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, हमने गलत लिख दिया क्या, ओ शिट ये गलत हो गया है, वन अपॉन क्या होगा, वन अपॉन क्या होगा, वन अपॉन सी वन प्लस क्या होगा, वन अपॉन सी टू प्लस क्या होगा, वन अपॉन सी थ्री। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन सी एस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी यहां क्या लिख सकते हैं, सी एस सीरीज इक्वेलेंट, क्या हो जाएगा, सीरीज इक्वेलेंट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि क्या होगा कि कैपेसिटेंस क्या होगा, यदि कैपेसिटर क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो वी कैन रिप्लेस ऑल कैपेसिटर्स बाय ए सिंगल कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी एस। क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं ऐसे, यदि सीरीज में कैपेसिटर क्या होगा, कनेक्टेड होगा, अभी हमने तीन ही कैपेसिटर कंसीडर किया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सी वन सी टू सी थ्री, ये क्या होगा, क्यू Q Q है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल कैपेसिटेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्या होगा, रिप्लेस कर सकते हैं जो सी एस, सी एस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ उसको सिंप्लीफाई करोगे तो सी वन सी टू सी थ्री अपॉन क्या होगा, या ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वन अपॉन सी एस, इसका वैल्यू क्या होगा, सी एस वेयर वन अपॉन सी एस इक्वल टू ये मिल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Q। तो इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, क्या हुआ, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। तो आपको क्या करना है, क्या करना है कि जब भी क्या होगा, सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तो सभी कैपेसिटर को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है क्या, एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। और सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यहां देखो ध्यान से, क्या होगा, वन अपॉन सी एस इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस क्या होगा, वन अपॉन सी थ्री। इसको हम क्या लिखेंगे, सीरीज सीरीज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपेसिटेंस, ए इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह क्या होगा, इफ एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन, क्या होगा, इफ एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहां देखो, और यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सी एस इंटू क्या हो जाएगा, वी। ये हमेशा याद रखना है, चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर भी क्या है, ई एम एफ ऑफ द क्या है, ऑफ द बैटरी, और सी एस क्या है, सीरीज इक्विवेलेंट, सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है,
आपको सीरीज इक्वेलेंट से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो आपको क्या याद रखना है कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन वी कैन रिप्लेस ऑल कैपेसिटर्स बाई ए सिंगल कैपेसिटर व्हिच कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी एस, व्हिच कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, सी एस। अब आपको इसमें क्या है कि इफ एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज क्या होगा, यहां लिखना है क्या है, नोट में लिख लेना है ना, क्या है कि इफ एन कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस है ना, डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, एक कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, डैश डैश क्या होगा, ए सी वन है, सी टू, सी थ्री, सी फोर, सी फाइव। तो इसको क्या करेंगे, इसका एक सिंगल कैपेसिटर से क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे सी एस, और वन अपॉन सी एस इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन सी वन प्लस, वन अपॉन सी टू प्लस, वन अपॉन सी थ्री प्लस, प्लस क्या होगा, वन अपॉन सी एन। तो ये क्या करना है आपको माइंड में रखना है, ठीक है, ये क्या करना है आपको माइंड में रखना है। जस्ट क्या है, सीरीज रेजिस्टर का पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ क्या होगा कि क्या होगा, C1 C2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 C2 हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डैश डैश इक्वल टू क्या होगा, Cn। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या होगा C1, वन अपॉन सी एस इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी एस इक्वल टू एन अपॉन क्या होगा, सी, तो सी एस इक्वल टू क्या होगा, सी बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, और सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ क्या होगा, कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। उसके बाद यदि क्या होगा, इफ टू कैपेसिटर्स, इफ क्या होगा, टू कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर्स आर क्या होगा, कनेक्टेड इन क्या होगा, इन सीरीज, तो ये आपको फॉर्मूला सी एस इक्वल टू क्या होगा, सी वन सी टू अपॉन क्या होगा, सी वन प्लस क्या होगा, सी टू, ये क्या करना है, माइंड में रखना है। उसी तरह क्या होगा, सिमिलरली थ्री कैपेसिटर के लिए तो मैंने बताया भी था कि यदि क्या होगा, थ्री कैपेसिटर्स क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, इफ क्या होगा, इफ थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन क्या होगा, देन सी एस इज इक्वल टू सी वन सी टू सी थ्री अपॉन सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी थ्री सी वन। ये आपको क्या करना है, माइंड में दो तीन रिजल्ट है। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, कि का जो वैल्यू होगा ये क्या है कि जो भी स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा क्या होगा, उससे भी क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो एक पॉइंट और लिखना है कि सीरीज इक्विवेलेंट द वैल्यू ऑफ क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी एस इज
smaller than the smallest capacitance connected in series. The smallest capacitance connected connected in क्या होगा सीरीज. ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे मैंने स्टेटमेंट जो दिया वो आपको समझना हो तो कैसे समझोगे. देखो ध्यान से कि यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल देखो. ये क्या है तीन कैपेसिटर हमने क्या किया कनेक्ट कर लिया. ये सीरीज में है ए और क्या है बी. देखो ध्यान से क्या है ये चलो 2 माइक्रोफेराड. ये क्या है 4 माइक्रोफेराड और ये क्या दिया 8 माइक्रोफेराड दिया हुआ. ये क्या है सीरीज में है. सीरीज में कैसे सोचोगे आप एक बैटरी से खुद से कनेक्ट कर दो और फिर चार्ज देख लो. चार्ज यदि सभी कैपेसिटर पे सेम होगा तो जो कैपेसिटेंस होंगे वो क्या होंगे जो कैपेसिटर्स होगा वो क्या चीज में होगा सीरीज में होगा. अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये क्या होगा. देखो C1 इक्वल टू क्या है C1 इक्वल टू क्या है 2 माइक्रोफेराड. C2 इक्वल टू क्या है 4 माइक्रोफेराड और C3 इक्वल टू क्या है 8 माइक्रोफेराड. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो तो हम क्या जानते हैं कि CS इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस क्या होगा 1/C2 प्लस 1/C3 यही होता है. अब आप यदि कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/8. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/8. क्या हुआ 7/ क्या हुआ 8. ये 1 से क्या हो गया छोटा हो जाएगा है ना. 1 से क्या होगा बड़ा. देखो हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ सी एस जो होगा वो क्या होगा 8/ क्या होगा 7. 2 से क्या होगा 2 से क्या होगा छोटा होगा. कहते ही मैं बता रहा था कि द वैल्यू ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ आप आसानी से बोल सकते हो कि सी एस का जो वैल्यू होगा वो 2 माइक्रोफेराड से भी क्या होगा छोटा होगा. सी एस का जो वैल्यू होगा वो 4 माइक्रोफेराड से भी क्या होगा छोटा होगा. सी एस का जो वैल्यू होगा वो 8 माइक्रोफेराड से भी क्या होगा छोटा होगा. तो यदि मैं बोल दूं कि स्मॉलेस्ट जो कैपेसिटेंस है उससे छोटा है तो ऑटोमेटिक क्या है सभी से क्या होगा छोटा होगा. तो यही मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है. क्या है यही स्टेटमेंट क्या है हमने लिखा है. ये भी आपको याद रखना है कि क्या है टू गेट मिनिमम कैपेसिटेंस मिनिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी ऑलवेज कंसीडर कैपेसिटेंस इन क्या होगा सीरीज. आपको क्या करना है ये नोट में इसको भी लिखना है. क्या है कि टू गेट क्या है टू गेट मिनिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है कि टू गेट मिनिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी ऑलवेज कंसीडर सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या हो व्हेन कैपेसिटर्स क्या होगा दैट इज क्या होगा व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड क्या होगा कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी क्या होगा मिनिमम. ये आपको माइंड में रखना है. सी एस मिनिमम क्या होगा सी एस यहां मैं लिख देता हूं सी
मीन इक्वल टू क्या होगा, सी एस के क्या होगा, इक्वल होगा। ए याद रखना है, ए आप जब पैरेलल भी पढ़ जाओगे तो आपको मालूम है कि सीरीज में यदि ऐसा हुआ तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस क्या होगा, सी थ्री होगा। तो ऑलवेज पैरेलल में क्या होगा, मैक्सिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है, और सीरीज में क्या होता है, मिनिमम इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, मिलेगा। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्या है एक न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे देखेंगे। तो आपको जैसे देखो क्या है, सिंपल एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं, फाइंड क्या है, एक सर्किट दिया हुआ है, ये क्या है 4 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड और चलो 16 माइक्रोफेराड हमने कंसीडर कर लिया। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ क्या है 20 वोल्ट दिया हुआ। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है इन द सोन फिगर, देखो क्या है, इन द सोन फिगर क्या है, फर्स्ट में क्या है, फाइंड, ऐसे लिख लो फाइंड, पहले क्या है फाइंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बी क्या है चार्ज ऑन क्या होगा ईच कैपेसिटर, सी लिखो पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, डी क्या है एनर्जी स्टोर्ड, देखो इसी में हम सब कॉन्सेप्ट, एनर्जी स्टोर्ड बाई क्या होगा ईच कैपेसिटर, और क्या है एनर्जी सप्लाई बाय द पावर सप्लाई, ऐसे भी हम इसको भी लिख लें, है ना। और वन बाय वन हम सभी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, डी ई में क्या लिखेंगे, एनर्जी, एनर्जी सप्लाई, सप्लाई बाय द क्या होगा, बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा एनर्जी कितना सप्लाई होगा वो अपने को क्या करना है कैलकुलेट। अब देखो यहां से यदि हम चार्ज क्यू भेजें तो इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज, और इस पे भी क्या होगा क्यू चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो सी एस इक्वल टू क्या होगा सी वन सी टू सी थ्री अपॉन सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी थ्री सी सी थ्री सी वन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, यदि तीन हो तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू क्या होगा 8 इंटू 16 अपॉन 32, आई मीन 4 इंटू क्या होगा 8 प्लस 4 इंटू क्या होगा 16 प्लस क्या होगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 16। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 4 इंटू 8 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो तो 4 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 इंटू 8, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस क्या होगा 4 इंटू 8 4, ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना होगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 7, तो ये कितना हुआ माइक्रो फेराड क्या हुआ आंसर आ गया सी एस, सी एस का आंसर आ गया कितना 16 अपॉन 7 माइक्रोफेराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपको ये मालूम चल गया तो इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, एक सिंगल कैपेसिटेंस से हम क्या करेंगे इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देंगे, यही क्या हो गया सी एस, ये इधर क्यू, और ये क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, क्या होगा 20 वोल्ट। अब आप यहां से लिख सकते हो कि चार्ज सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा
चार सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू क्या होगा, सी एस इंटू क्या हो जाएगा भी, तो क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, सी एस कितना है 16 अपॉन क्या दिया है 7 इंटू क्या हो जाएगा 20, आई मीन क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 320 अपॉन क्या होगा 7 माइक्रो क्या हो गया कूलम, आंसर आ गया क्या हो गया माइक्रो। अब आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्योंकि सीरीज में है तो सभी तीनों कैपेसिटर जो हैं उन सभी पे चार्ज क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा चार्ज क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो पहले आपने वो क्या मिला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो। उसके बाद पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होता है, देखो Q इक्वल टू आई मीन क्या होगा V इक्वल टू क्या होगा Q बाई क्या होगा C, तो हम लिखेंगे V1 इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C2 और V3 इक्वल टू क्या होगा V3 इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C3 हो जाएगा। तो Q का वैल्यू मालूम है और Q का वैल्यू कितना है 320 अपॉन 7 इंटू 320 अपॉन 7 इंटू C1, C1 कितना हमने कंसीडर किया है 4 कंसीडर किया है, तो हमने क्या लिखा 4, ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा 8 है ना, 8 अपॉन क्या हो जाएगा 8 80 अपॉन 7 क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा 320 अपॉन क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 अपॉन क्या हो जाएगा 7 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 320 अपॉन क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन क्या होगा 7 वोल्ट हो जाएगा। आपको प्रूव करना है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 20 वोल्ट आना चाहिए, तो आप प्रूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप प्रूफ आसानी से, क्या कर सकते हो प्रूफ आसानी से कर सकते हो, है ना, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अब हम लिखें कि V1 इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या होगा V3 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 7 कॉमन ले लें, क्या हुआ 80 प्लस क्या हुआ 40 प्लस क्या हुआ 20, तो ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन क्या होगा 7 क्या हुआ 20 वोल्ट। तो हम यहाँ से प्रूफ कर दिए कि V1 प्लस V2 इक्वल प्लस V3 इक्वल टू क्या होगा V इक्वल टू क्या होगा 20 वोल्ट। तो जितना हमने क्या किया पावर सप्लाई दिया है वही क्या होता है, वही पावर सप्लाई का जो EMF होता है सभी कैपेसिटर्स के क्रॉस क्या होता है डिवाइड हो जाता है। अब इक्वली भी डिवाइड हो सकता है और क्या हो सकता है अनइक्वली भी डिवाइड हो सकता है, वो क्या है सिचुएशन क्या है डिपेंडेंट है, सिचुएशन पे क्या होता है डिपेंड करता है। अब क्या करना है एनर्जी स्टोर्ड बाय द ईच कैपेसिटर, देखो मैं पर यहां लिख देता हूं कि एनर्जी U1 इक्वल टू क्या होगा U1 इक्वल टू क्या होगा Q1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2C1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1/2 Q1 इंटू क्या होगा V1, उसी तरह क्या लिखोगे कैलकुलेट कर लेना U2 इक्वल टू क्या होगा Q2 V2 बाय क्या होगा 2, U3 इक्वल टू क्या होगा Q3 V3 बाय क्या होगा 2 हो जाएगा। इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लेना है ना, और जब कैलकुलेट करोगे तो आपसे अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एनर्जी सप्लाई बाय द पावर सप्लाई, ये बताया भी था मैंने आप लोगों को, तो इसे आप क्या करना है इसको कैलकुलेट कर लेना। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि एनर्जी सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा क्या होगा कितना एनर्जी क्या होगा सप्लाई होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो U हमने क्या लिखा सप्लाई इक्वल टू क्या होगा चार्ज सप्लाई इंटू क्या होगा V, हमेशा याद रखना है ये क्या होगा चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा सप्लाई बाय द बैटरी, और ये क्या होगा EMF ऑफ द क्या होगा बैटरी। तो आप
यहाँ भी अगेन क्या कर सकते हो, खुद से तुम प्रूव कर लेना कि ये जितना हम एनर्जी सप्लाई करेंगे उसका 50% एनर्जी ही क्या होगा, ऑल कैपेसिटर में क्या होगा, स्टोर होगा, 50% एनर्जी भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ये खुद से भी तुम क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। अब आपसे क्या है, आसानी से यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द क्या होगा, कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, व्हाटएवर कनेक्शंस आर देयर, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करो, एनर्जी सप्लाई कैलकुलेट कर लो और उसका 50% कैलकुलेट कर लो, वही 50% एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। 50% एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। किसमें, किसमें लॉस हो जाता है, हीट में, जो कनेक्टिंग वायर होता है उसी में क्या होता है, हीट के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है। क्या चीज में लॉस हो जाता है, हीट के फॉर्म में वो क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, पैरेलल क्या है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।